नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। मुख्य सचिव हरियाणा ने दी भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने बीते कल भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर हरियाणा सिविल सचिवालय में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हरियाणा सिविल सचिवालय अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कल्याण संघ चंडीगढ़ द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में श्री विजय वर्धन ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये सिद्ध किया है कि संघर्ष, दृढ़ संकल्प, मेहनत और साहस से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे तथा उन्हें 64 विषयों में परास्नातक करने के अलावा 21 वर्ष तक विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन किया था। बाबा साहब ने देश में 14 में से 8 घंटे का काम करने का निर्धारित समय करवाने में योगदान दिया। उन्होंने कहा बाबा साहब ने जीवन पर्यंत गरीबों के उत्थान के लिए संघर्ष किया और वे शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्थक थे। मुख्य सचिव ने ये कहा कि हम सभी को बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। कार्यक्रम में हरियाणा सिविल सचिवालय अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कल्याण संघ के प्रधान सत्यवान सरोहा ने मुख्य सचिव को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इसके अलावा अन्य उपस्थित सभी अधिकारियों को श्री बाबा डॉक्टर साहब अंबेडकर के चित्र भेंट किए गए। इस कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग तथा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग की सचिव एवं महानिदेशक पी अमनीत कुमार, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विशेष सचिव एवं निदेशक गीता भारती तथा हरियाणा सिविल सचिवालय के विशेष सचिव महेश्वर शर्मा सहित सचिवालय के कई अधिकारी उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो की रिपोर्ट। बाबा साहब ये भी कहते थे कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेन्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इज अ करप्शन, कि हम ऐसा मुल्क हैं जो सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। सो देयर इज अ सिंक्रोनिसिटी, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटर एंड कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन व्हाट वी थिंक, व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू। तो बाबा साहब की जिंदगी वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट इंटेग्रिटी। और बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक बार कहा भी था, फॉर मी इंटेग्रिटी इज नॉट ओनली फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी हैज मेनी डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू बाबा साहब। इट इज ऑल्सो इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, इट इज ऑल्सो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप चपरासी का कर रहे हैं, क्लर्क का कर रहे हैं, अंडर सेक्रेटरी का कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट सिंसेयर टू योर जॉब, यू आर अ डिसऑनेस्ट मैन। तो बाबा साहब ये भी कहते थे कि इंटेग्रिटी इज ऑल्सो मॉरल एंड इंटेग्रिटी इज ऑल्सो secular. So a government employee has to be financially honest, he has to practice financial integrity, moral integrity, professional integrity, intellectual integrity and secular integrity. Secular integrity kya? Aap koi file deal kar rahe hain, aap kisi cheez ka interview le rahe hain aur aap char logon mein se interview leke aapko sabse behtar candidate ko select karna hai, par aap usko nahi karte. आप उसको सेलेक्ट करते हैं जो आपके धर्म का है, आपकी जाति का है। सो यू मे बी फाइनेंशियली ऑनेस्ट बट यू आर सोसाइटली डिसऑनेस्ट। सो बाबा साहब ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज दैट ही लिव्ड द लाइफ फॉर द पीपल हु वर डाउनट्रॉडन, बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन और एनी कम्युनिटी। इट इज ईजी टू हेल्प दोज हु आर योर रिलेटिव्स, दोज हु बिलोंग टू योर फैमिली, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच आउट टू पीपल who do not, who are not your relative, but whom destiny has made them less challenged than you. तो मेरे हिसाब से आज का सबसे बड़ा सबक जो हम खुद को दें और अपने फैमिली मेंबर्स को दें,
कि वी शुड एजुकेट आर सेल्व, नॉट जस्ट द करिकुलम वी आर स्टडिंग फॉर एग्जामिनेशन, पर हमें एक अंदर से क्वेस्ट होना चाहिए। बाबा साहब कहते थे कि द बिगेस्ट वेपन, द बिगेस्ट स्वॉर्ड ऑफ ए चैलेंज्ड एंड अनप्रिविलेज्ड मैन इज द स्वॉर्ड ऑफ लर्निंग। वो कहते थे आपके हाथ में सबसे बड़ी शमशीर आपकी शिक्षा है।